गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, मैं हूँ बढ़िया। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं इसका डिस्क चेंज कराने, वापस से हम लोग हब लगा देंगे, क्योंकि भाई साहब जैसा देखा आपने पिछली वीडियो में जिसने परेशान कर दिया मुझको, तो इसको मैं चेंज करा दूंगा भाई साहब। क्योंकि अगर बाइक पंचर होता है या कुछ होता है अगले व्हील में, जब वो खुलेगा तो भाई साहब व्हील जैम हो जाएगा दोबारा से लगने के बाद। तो इसको चेंज कर देंगे, हब लगा देंगे वापस से, और देखेंगे हेडलाइट का कुछ होता है तो हेडलाइट चेंज करा देंगे। ओरिजिनल मिल गया तो ठीक है, नहीं हम लोग हेडलाइट लगाने वाले हैं। मेरा तो 100% मन है हेडलाइट लगाने का। वो जो एक्सल सुपर 100 आता है उसका लाइट फ्लैट होता है एक नंबर, तो उसको डालने का मेरा मन है बहुत। तो हो मिलेगा तो वो डाल देंगे ओरिजिनल, नहीं तो यामा का डाल देंगे ओरिजिनल। बाकी डिस्क तो निकलेगा ही और नंबर प्लेट लगेगा, जो कि बहुत दिनों से नहीं लगा हुआ है भाई साहब। ऐसे ही चल रही बाइक, उसके बिना यार आगे से बहुत बेकार लगती बाइक विदाउट नंबर प्लेट। नंबर प्लेट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन यामा वाला वो होना चाहिए मोनोग्राम, वो भी नहीं इसमें, तो ये बहुत ही गंदी लग रही है आगे से, पूरा सब दिख रहा है वायर वगैरह। और हो सकेगा तो नया बैटरी भी डाल देंगे, क्योंकि सब मामला शांत हो चुका है इसका। ना हॉर्न बज रहा है, ना इंडिकेटर चल रहा है विदाउट बैटरी। बाइक चालू होने पर तो अभी हॉर्न तो नहीं बज रहा है, बाकी इंडिकेटर चलता है बाइक चालू होने पर। तो यही सब समस्याएं हैं भाई साहब अपनी RX में, तो आज क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। इस पर अभी नहीं बताएंगे, सीधा ब्लॉग में ही बताएंगे, वीडियो आएगा जब। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, क्योंकि वीडियो आने वाला है बहुत बढ़िया बढ़िया। और चलने में तो एक नंबर है, अगर ये मिल गया इस साइड का, क्या बोलते हैं इसको, हैंडल ग्रिप इस साइड वाला एक्सीलेटर वाला, तो वो डाल देंगे नया। और फुटरेस्ट RX वाला देखेंगे, अगर रखा होगा मैकेनिक के पास तो वो डाल देंगे, क्योंकि ये गोल है तो इसमें पैर रखने में ज़्यादा तकलीफ़ होता है भाई साहब। तो चलते हैं मैकेनिक के शॉप पर और चेंज करवाते हैं भाई साहब इसका, जो जो तकलीफ़ में है। तो गाइस शॉप आने वाली है हमारे मैकेनिक भाई की, और हेडलाइट, अरे भाई साहब क्या हॉर्न मारते हैं ट्रक वाले। और हेडलाइट को लेके भाई साहब मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। क्योंकि मैं हेडलाइट इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए अच्छा रोशनी, अगर नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा भाई साहब हेडलाइट चेंज करने का। नाइट विजन बहुत कम रहता भाई साहब RX का हेडलाइट में, इसीलिए अपन चेंज करने का सोच रहे हैं। लेकिन ओहो ट्रैफिक, बाकी ट्रैफिक भाई साहब एक नंबर आवाज़ आता है इसका। तो इसको यहीं पे करते हैं एंड,